बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास की केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसके हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो पीएच है उसके यूजेस और उसके जो रिजल्ट्स थे उनके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो है वो इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और इनका क्या रोल है। तो सबसे पहले इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इंडिकेटर्स में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दे हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर इनका जो कलर है ये डिफरेंट होता है। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट के अंदर ही जो एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड्स जो हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि जो बेसिस हैं वो ब्लू को क्या कर देती है, रेड लिटमस पेपर को क्या कर देती है, ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। तो लिटमस पेपर जो है, लिटमस ये एक इंडिकेटर है जो हमें एसिड और बेस के अंदर डिफरेंशिएट करने में मदद देता है। अगर हम लोग लिटमस पेपर को एक एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डालें तो उसका कलर रेड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, लिटमस पेपर को अगर हम लोग एक सॉल्यूशन के अंदर डालें और उसका कलर हो जाए रेड, तो इसका मतलब है वो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। इसी तरह अगर हम लोग लिटमस पेपर को एक सॉल्यूशन के अंदर डालें और उसका कलर हो जाए ब्लू, तो ब्लू इंडिकेट कर रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बेसिक है। तो लिटमस पेपर जो है, लिटमस इज अ कॉमन इंडिकेटर, इट इज रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर ये क्या होता है, रेड होता है और ब्लू होता है। कब? इन अल्कलाइन, अल्कलाइन को बेसिक सॉल्यूशंस ही कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब हर इंडिकेटर जो होता है उसका, लिटमस तो एक इंडिकेटर है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। तो हर इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन में अपना एक खास कलर रखता है और बेसिक सॉल्यूशन में उसका अपना एक खास कलर होता है, और वो एक खास पीएच के बाद जो है अपना कलर क्या करता है, चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल लिटमस पेपर जो है ये एसिडिक के अंदर क्या होता है, रेड, बेसिक के अंदर क्या होता है, ब्लू, और ये रेड से ब्लू किस पीएच पे कन्वर्ट होता है, वो है पीएच 7। 7 से पहले एसिडिक और 7 से बाद बेसिक। 7 से पहले इसका कलर रेड होगा, जैसे पीएच 7 से ज्यादा हुई इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक और इंडिकेटर है जिसका नाम है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन भी एक इंडिकेटर है। फिनोफ्थलीन जो है उसका एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर जो कलर है वो कुछ नहीं होता, कलरलेस होता है। यानी पीएच 9 से पहले पहले अगर जो फिनोफ्थलीन है उसको किसी सॉल्यूशन के अंदर डाला जाए जिसकी पीएच 9 से कम हो, तो जो फिनोफ्थलीन है वो कलरलेस हो जाएगी। ये कलरलेस, ठीक हो गया। अगर फिनोफ्थलीन को ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डाला जाए जिसकी पीएच 9 से ज्यादा हो, 9 से ज्यादा होगी जिसकी पीएच, तो फिनोफ्थलीन जो है उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक हो गया। और वो स्पेसिफिक जो पीएच है जिस पर फिनोफ्थलीन कलर चेंज करता है वो है 9। तो आप लोगों की बुक के अंदर ये 3 जो है ये इंडिकेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं जिनके बारे में हम लोग देखते हैं कि उनका कलर क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, और किस पीएच पे वो अपना कलर तब्दील करते हैं। तो जो मिथाइल ऑरेंज है इसका कलर जो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर है वो है रेड। कौन सी पीएच के अंदर वो कलर चेंज करता है, 4 के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है और कलर चेंज होकर क्या हो जाता है, ये 4 से अगर कम पीएच वाला सॉल्यूशन है तो रेड है, मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड होगा। अगर 4 से ज्यादा पीएच वाला है तो फिर कौन सा हो जाएगा, येलो। लिटमस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, 7 से पहले पहले अगर कोई पीएच वाला सॉल्यूशन है तो कलर उसका रेड होगा, 7 के बाद जो है वो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। तो कौन सी पीएच पे उसका कलर चेंज हो रहा है, 7। इसी तरह फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन का कलर 9 से पहले, 9 पीएच से पहले जो सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी पीएच 9 से कम होती है उनके लिए इसका कलर जो है वो कोई नहीं होता, कलरलेस होता है। और अगर 9 की से ज्यादा पीएच वाले सॉल्यूशंस हो तो इसके अंदर उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता
तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो इंडिकेटर्स हैं उनकी मजीद टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।